सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर जहां बेहद गंभीर हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील योजना के लिए नए नए कार्य कर रहे हैं, तो वहीं जनपद सोनभद्र में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी परोसा गया। सीएम की सख्ती के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मामला जनपद सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय गुरेट का बताया जा रहा है, जहां बच्चों को नमक रोटी दिए जाने संबंधित मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्रामीण स्कूल के बच्चों से खाना में क्या मिला पूछा जा रहा है। मामला जैसे ही विद्यालय से बाहर निकला तो बीएसए विभाग समेत जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला बीते सोमवार का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में गैस सिलेंडर खत्म होने पर बच्चों को नमक रोटी परोस दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें अगर एक दिन पहले की भी रिपोर्टिंग है तो इसमें प्रधानाध्यापक पूरी तरह से दोषी हैं। यदि प्रधानाध्यापक की ये नॉलेज में था कि वहाँ पर एक दिन पहले रोटी बनी थी और सब्जी नहीं बन पाई थी तो उनको कदापि नहीं बंटवानी चाहिए थी। यदि एक दिन मिस रिपोर्टिंग भी हो जाती तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन किसी को बच्चों को नमक रोटी, जो कि बच्चों के सीधे हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक के खिलाफ मैं कठोर एक्शन ले रहा हूँ। दूसरा, जो इसमें प्रधान है, पिछले 8 अगस्त से खाना प्रधान बनवा रहे हैं, वहाँ पर 4 सिलेंडर हैं, बार बार कहने के बावजूद भी उनके द्वारा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। ये उनकी उदासीनता है, उनकी लापरवाही है। मैंने DPRO साहब को